असलम एंड वेलकम टू आज मार्केट्स विद मी अली ना शिक्री इज़ द फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ दिस न्यू वीक जहां पर हम देखेंगे इस हफ़्ते स्टॉक मार्केट की कैसी परफॉर्मेंस रहेगी मजीद गुज्तर दिनों की परफॉर्मेंस पे आज हम बात करेंगे और आज हमने प्रोग्राम में इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए दावत दी है सैयद असफर इमाम साहब को फाइनेंशियल एनालिस्ट है अलमकुम असफर साहब एंड वेलकम टू द शो और जिस तरह से मैं मेंशन भी करी थी कि गुजशत दिनों में हमने जो मार्केट की परफॉर्मेंस देखी है जिसमें हमने काफ़ी एक बुलिश ट्रेंड भी देखा है मार्केट में ऑब्जर्व होते हुए रिजल्ट्स uh, को काफ़ी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कहा जा रहा है इसके साथ साथ ही इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में भी एक हमने हाइक देखी है जिसके भी हमने देखा है कि कॉन्ट्रीब्यूशन मिलते हुए नजर आया है ऑयल स्क्रिप्ट को एंड बिसाइड दिस हम देख रहे हैं कि काफ़ी कुलेशन सपोर्ट फंड और जो इंटरनेशनल इन्फ्लोज एक्सटर्नल इन्फ्लोज है हमारे uh, उसकी एक्सपेक्टेशन मजीद बहुत ज़्यादा हैं कि वो उनकी रिसीव होते में मजीद मार्केट uh, जो है बेहतर फॉर्म करती हुई नजर आ सकेगी लेकिन इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स चूंकि ऑन दी अदर हैंड हम देख रहे हैं मज़ीद हमें एग्रोवेट होते हुए नजर आ रहे हैं बिल्डअप होते हुए नजर आ रहे हैं जिससे डिस्काउंट रेट्स में कोई एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा कि एनी टाइम सोन हम कोई कमी एक्सपेक्ट कर सकें इस पर हम मजीद बात करेंगे और मार्केट परफॉर्मेंस को आज हम डिस्कस करेंगे बटसम न्यू ऑप्शन जो कि इन्वेस्टर्स किन मजीद इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटीज़ की तरफ जा सकते हैं और मार्केट में इस वक्त करंटली क्या चल रहा है आज हम इस पर बात करेंगे इसवर इमाम साहब से असवर साहब मार्केट की परफॉर्मेंस पर ही बात करेंगे प्रीवियस हमने कुछ दिनों से देखा कि काफी एक बुल ट्रेंड जो मार्केट में चला आ रहा है वो लेकिन फिर भी एक शॉर्ट टर्म रहा क्या रिजल्ट्स बहुत सपोर्टिंग फैक्टर रहे और अगर रिजल्ट्स के पोस्ट रिजल्ट्स हमने क्यों नहीं एक रैली मजीद क्रिएट होते हुए देखी मार्केट को या मार्केट हमें नजर आती देखिए मार्केट को अगर आप एक बुलश ट्रेंड को फर्दर सस्टेन करना चाहते हैं तो देखिए आप बुलिश ट्रेंड को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें एक तो शॉर्ट टर्म हो गया जिस तरह के आपने बताया कि शॉर्ट टर्म में हमने अभी एक बुलिश रन देखा है और एक जिसकी वजह साहर सी बात है हमारी लिक्विडिटी बेहतर हुई है हमने बाहर से पैसे मिले हैं हमें रिहेबिलेशन प्रोग्राम के लिए और हम जो टेरिज्म से हम पड़ रहे हैं इसकी वजह से हमारी लिक्विडिटी बेहतर हुई है ऑयल प्राइस हाई हुआ है ये एक वजह है लिक्विडिटी बेहतर होने की आगे चल के हम लॉन्ग टर्म्स को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए हमको देखना होगा हमारे इंडिकेटर्स हमको बेहतर करने होंगे हमारी जो आ, क्या नाम है हमारा आ, अपना हमें यह देखना होगा कि आगे जा के एक इंडिकेटर्स का बेहतर होना फिर प्लस ये कि हमें पता है कि हमारी मार्केट में इस वक्त बहुत डेप्थ है ड्यू टू हमारी जो मल्टीपल्स हैं वो लो है हुँ. और ये सब चीज़ों को हमें हाईलाइट करना होगा हुँ. और इंटरनेशनली हमें देखना होगा कि हमारे जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए एक सबसे बड़ी वजह हमें बतानी होगी कि पूरी हमारी रीजनल मार्केट इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई पर है हुँ. तो हमारी मार्केट अट्रैक्टिव हो जाती है तो ये लॉन्ग टर्म्स हम बता सकते हैं अपने इन्वेस्टर्स को आगे ले जाने के लिए अच्छा लेकिन अस्वर साहब यहाँ पर अगर मार्केट का ये भी एक्सपेक्ट कुछ माहरी के मुताबिक किया जा रहा है इलेवन थाउजेंड को भी क्रॉस करेगी मार्केट सक्सेसफुली यहां पे अभी फिलहाल हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि जो हमने इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन देखी है हमारे लोकल इन्वेस्टर्स की जहां तक बात आती है सेकेंड और थर्ड ईयर्स तक महदूद है आ, ये रिस्ट्रिक्ट अपने आप को जो लोकल इन्वेस्टर्स किए हुए और अगर सिलेक्टिव ब्लू चिप आइटम्स की हम बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का उनमें रुझान ज्यादा नजर आ रहा है आ, क्या सेकंड और थर्ड ईयर तक हमें जो है लोकल इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन इसी तरह से बढ़ती हुई नजर आएगी और इसी तरह से महदूद रहेगी और लो वॉल्यूम्स क्या मार्केट में सिर्फ क्रिएटेड रहेंगे देखिए अलीना यहाँ पे हम बात करते हैं बहुत सारी हम बातें कर चुके हैं रिलेटेड टर्नओवर के और इस्माल इन्वेस्टर हमारे मार्केट से दूर है लोकल इन्वेस्टर दूर है हुँ. इसकी हम रीज़न पे बहुत सारी बातें कर चुके हैं लेकिन हमने कभी हम हमेशा ये बात करते रहे कि हमें एक, एक सी का प्रोडक्ट लाना है जो कि आई होप के फ्यूचर जो है ना वो आ जाएगा आ, हम हमेशा बात करने लगे और यकीन मैं समझता हूँ कि अगर सी का प्रोडक्ट आ गया तो हमारे स्मॉल इन्वेस्टर आ सकते हैं लेकिन एक दूसरे पहलू से भी हमने कभी नहीं सोचा जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा आपके प्रोग्राम में जी. हम स्टॉक स्प्लिट के बारे में हमने कभी नहीं सोचा यानी आज स्टॉक स्प्लिट सिंपली मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ स्टॉक स्प्लिट कुछ इस तरह से है कि ये कंपनीज का एक डिसीजन होता है जितनी कॉर्पोरेट डिसीजन होता है और इसमें कंपनीज जो है जब ये महसूस करती हैं कि उसका जो है उसमें टर्न ज़्यादा नहीं हो रहा या स्मॉल इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्शन नहीं बाकी है तो वो एक डिसीजन लेते हैं जिसमें अपने स्टॉक को स्प्लिट कर देते हैं लाइक उसमें टू इस टू वन कर सकते हैं फाइव टू वन कर सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास हंड्रेड शेयर्स हैं तो अगर टू इस टू वन किया तो वो टू हंड्रेड शेयर्स हो जाएंगे फाइव टू वन किया तो फाइव हंड्रेड शेयर्स हो जाएंगे अच्छा। उसकी प्राइस डाइल्यूट ज़रूर हो जाएगी लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन में फ़र्क नहीं आएगा इससे होगा ये कि लाइक अगर कोई सौ रुपये का शेयर है तो फाइव टू वन किया तो वो ट्वेंटी रुपीज़ पर ट्रेड करना शुरू हो जाएगा तो एक स्मॉल इन्वेस्टर जो कल तक ये सौ रुपये के शेयर को आ, जो समझ रहा था कि मेरी रेंज में नहीं है और एक, एक नफसियाती तौर पर वो उससे दूर रहता था तो उसके लिए अट्रैक्शन आ जाएगा और अच्छा। उसमें आ जाएगी तो हम एक्चुअली हम बात क्या करते हैं कि हमारे पास इशू क्या है

स्टॉक स्प्लिट जो है अगर कोई करता है तो शायद शायद एक या दो कंपनीज कर सकती हैं मैं थोड़ी दूसरे सिनेरियो पे बात करता हूँ क्यों नहीं हम ब्रोकरेज जितने ब्रोकरस हैं वो अपना एक एक फोरम बनाएं और एक उसमें प्रेजेंटेशन दें तमाम अच्छी बड़ी कंपनी तो so, अच्छी बड़ी कंपनी से मुराद मेरी बीस पच्चीस कंपनीज जो हैं उनको उनके एग्जीक्यटिवस को जो है ना एक प्रेजेंटेशन दें कि स्टॉक स्प्लिट से फ़ायदा क्या होगा जहाँ हम इन्फ्लेशन वो लेकर के आ रहे हैं प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं वहाँ एक चीज भी हो जाए तो मैं समझता कि मार्केट में देखें, अभी भी मार्केट में बहुत पोटेंशियल है हाँ। और ये तमाम चीजें बहुत एक छोटी सी मिसाल मैं आपको बता दूं जी अस्मर साहब मैं चाहूंगी कि हम एक ब्रेक पे चलते हैं उसके बाद फिर यह बात कंटिन्यू करेंगे और मजीद आपसे पूछेंगे कि बोनस इशू से स्टॉक स्प्लिट किस तरह डिफर करता है राइट ना वो बी स्टे विद अस एंड की